हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। चूँकि मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, और चैप्टर 11 है जियोग्राफिल सोब्रिक्यूट्स। ये सोब्रिक्यूट द निक नेम ऑफ द फैंसी नेम, और ये सोब्रिक्यूट्स का मतलब होता है किसी का निक नेम, किसी का फैंसी नेम जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और उसके रियल नेम से उसका ज़्यादा निक नेम पॉपुलर हो जाता है। और यहाँ पे उसको बताने के लिए फिर यहाँ पे किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इज नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट, तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट गेम गोल्डन गेट के नाम से किसे जाते हैं? सैन फ्रांसिस्को को। ये अमेरिका का शहर है, यूएसए का शहर है। और इसके बारे में और भी चीज़ बता दे रहा हूँ, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं इसका नाम है गोल्डन ब्रिज। क्या नाम है? गोल्डन ब्रिज, गोल्डन ब्रिज। और यहाँ पे एक चीज़ और है सैन फ्रांसिस्को में, इसका नाम है लोम्बार्ड स्ट्रीट, लोम्बार्ड स्ट्रीट। और यहाँ पे एक और आइलैंड है अल्काट्रास, अल्काट्रास आइलैंड भी है आपका सैन फ्रांसिस्को में। और सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के में है सैन फ्रांसिस्को। इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से उसके से जानते हैं, जापान में जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले सूरज यहीं पे निकलता है। और ये दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, पीपल। और ये पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है आपका क्या? जापान। और जापान के लोग को हम क्या बोलते हैं? निपॉन, निपॉन कहते हैं। और निपॉन का मतलब होता है कि सूर्य, सूरज सबसे पहले जहाँ पे निकलता है। इज़ नोन एज सिटी ऑफ सेवन हिल्स, और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो, ये भी ध्यान रखिएगा। और होंशु आइलैंड पे है टोक्यो। इज सिटी ऑफ सेवन हिल्स, सिटी ऑफ सेवन हिल्स के नाम से हम किसे जानते हैं? रोम को। और रोम किसकी कैपिटल है? इटली की, इटली। अब इसे जो रोम है इसे इंटरनल सिटी भी कहते हैं, हम क्या बोलते हैं? इंटरनल सिटी, इंटरनल सिटी भी कहते हैं इसे। और इसके बाद ये दुनिया का पहला, जो दुनिया का पहला शॉपिंग मॉल था ना, दुनिया का पहला शॉपिंग मॉल वो यहीं पे खुला था। कहाँ पे? रोम में, इटली में। इस नोन एज लैंड ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट के नाम से जिसे जानते हैं तो हम जानते हैं थाईलैंड को, थाईलैंड। और थाईलैंड में एक बिल्ली भी मिलती है, अभी आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में, और उसका क्या नाम है? सियामीस। यहाँ पे एक बिल्ली मिलती है थाईलैंड में, सियामीस। और इस बिल्ली की खास बात क्या है कि ये पैदा होती है वाइट कलर की, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो जाती है इसके कलर आने शुरू हो जाते हैं इसके बाल पे। इस थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। इज नोन एज लैंड ऑफ कंगारू, कंगारू के नाम से हम किसे जानते हैं? तो ये है देश ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और ये एक रेगिस्तानी देश है। और यहाँ पे देखिए दो, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, और यहाँ पे देखिए दो डेजर्ट है, कौन सा? द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट। ये सब आपके कहाँ पे हैं? ऑस्ट्रेलिया में है। तो डेजर्ट भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये डेजर्ट कहाँ पे है। इस दोनों ने डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट का मतलब हम किसे जानते हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। और ये दूसरा सेकंड नंबर का सबसे बड़ा आपका क्या है? कॉन्टिनेंट है। पहले नंबर पे एशिया है, और सबसे ज़्यादा कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है? तो वो भी है अफ्रीका में। कितने? 54 कंट्रीज, ध्यान रखिएगा। ये इसे डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही पीछे है। द लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा के नाम से हम किसे जानते हैं? तो हम जानते हैं म्यांमार को, म्यांमार। और म्यांमार की जो कैपिटल है वो क्या है? नेफिडाउ, नेफिडाउ। और इसकी जो करेंसी है उसे बोलते हैं कयात। और इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है यंगून। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है, यहाँ पे मिलिट्री राज करती है, तो प्रेसिडेंट है यहाँ के विन मिंट।
सिटी ऑफ पैलेस के नाम से किसे जानते हैं? कोलकाता को जानते हैं। कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो बनी है, यानी कि हुगली नदी जो है पानी के अंदर यहाँ पे मेट्रो चलती है। और कोलकाता दिल्ली से पहले राजधानी थी, और दिल्ली राजधानी बनी थी 1912 में। उसके पहले तक राजधानी क्या थी इंडिया की? कोलकाता ही थी। और हावड़ा यहाँ पे एक स्टेशन है कोलकाता में, हावड़ा ये सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। और देखिए पहली रेलगाड़ी तो आपकी कहाँ से चली थी? मुंबई से ठाणे से। लेकिन दूसरी रेलगाड़ी आपकी जो इंडिया में चली थी वो कहाँ पे चली थी? हावड़ा में ही चली थी। हावड़ा में दूसरी रेलगाड़ी, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, दूसरी रेलगाड़ी चली थी, ध्यान रखिएगा। पहली कहाँ पर चली थी? मुंबई से ठाणे। अगला 9 नंबर, इस नोन एज पीस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पीस कैपिटल वर्ल्ड आपके नाम से किसे जानते हैं? जिनेवा को। और जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में बहुत सारे आपके ऑफिसेस हैं, जबकि WHO के, UNHCR, ILO, इन सबको जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोस्त हमने पढ़ लिया चैप्टर 11 और फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।